हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन एंड व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है नीमा का इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। ये मिनी ग्राइंडर है, बहुत ही यूजेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे अमेज़न से परचेज किया है। देखिए कितना बढ़िया है, और सबसे बढ़िया इसकी खास बात यह है कि आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा है, पर्स में इजीली आ जाएगा और बहुत ही कम समय में ये किसी भी इंग्रेडिएंट को पीस देता है, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा तभी आपको पता पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी हम ओपनिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, अमेज़न से मैंने इसको मंगाया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगी। बेसिकली इसका जो नाम है, कॉफ़ी बीन के नाम से ये आता है, बट इसमें आप कोई भी स्पाइसेस, कोई भी इंग्रेडिएंट बहुत इजीली पीस सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और ये है हमारा प्रोडक्ट, जो कि है नीमा कंपनी का। ये देखिए, अब इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिनी ग्राइंडर है, तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनको कई बार कुछ चीज़ें पीसने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो उस पर्पज़ से भी ये बहुत बढ़िया है। वो इजीली इसे परचेज भी कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वो मिनी स्पाइस ग्राइंडर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसका जार है, इसी के साथ अटैच है, और कितना प्यारा सा ये लग रहा है, छोटा सा। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, शार्प ब्लेड हैं इसके, और सिर्फ एक ही बटन है जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वायर दी हुई है इसकी, और ये जो ढक्कन है काफ़ी मजबूत है, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं इजीली। कई बार क्या होता है कि हम जैसे मिक्सर ग्राइंडर में लॉक करना भूल जाते हैं, तो वो फिर निकल जाता है ढक्कन, तो इसको हम ईजिली लॉक भी कर सकते हैं। और ये इसका बटन है, इससे हम इसे यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करना बताती हूँ इसको। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे शुगर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ये मैंने लॉक लगा दिया इस पर, और ये देखिए कितनी इजीली ये पिस गया है। और कई बार हमें बहुत कम स्पाइसेस या ड्राई फ्रूट पीसने होते हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने 5 से 6 ही हरी लाल मिर्च डाली है इसके अंदर। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका पाउडर फॉर्म में इसको बना देगी ये। बस 10 से 20 सेकंड लगेंगे आपको, 3 से 4 बार इसको करना है बस। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका पाउडर बना दिया है। और अब मैं इसमें आपको दाल ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दाल डाल दी है मैंने। और दाल का भी देखिए बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो ये देखिए, दाल भी अच्छे से पिस गई है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई है। और अब मैं इसके अंदर आपको कोकोनट जो होता है वो भी पीस के दिखाऊंगी, जो हमारा ड्राई वाला होता है, वो भी मैं इसको पीस के दिखाती हूँ इसमें। देखिए मोटे मोटे चंक्स ही काटे हैं मैंने, कोई इसको बारीक नहीं किया है। और अगर इसके प्राइस की बात करें, तो प्राइस इसका 550 है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे नारियल के चंक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से पिस गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए। और बिल्कुल इसका भी पाउडर बन गया है देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।